जी अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ड्यूरेबल गुड्स रिटेलर ये उस तरह के रिटेलर हैं जो कि ड्यूरेबल गुड्स को सेल करते हैं टू एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स व तमाम तरह के गुड्स हैं जिनका लाइफ स्पैन जिनका यूजेज इज़ ओवर थ्री ईयर्स नॉर्मली ये बात समझी जाती है नॉर्मली ये बात कंसिडर की जाती है हमारे पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लें बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स के रिटेलर मौजूद हैं और ये वो तमाम रिटेलर्स हैं जो कि फर्नीचर सेल कर रहे हैं जो कि वाइट गुड्स सेल कर रहे हैं जो कि ब्राउन गुड्स सेल कर रहे हैं सो वट आर द वाइट गुड्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू वाइट गुड्स वो तमाम अपलाइंस हैं जो कि सेल की जाती हैं बाय द रिटेलर और ब्राउन गुड्स वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल की जाती हैं बाय द रिटेलर कार्स की एक्ज़ाम्पल हमारे पास है ड्यूरेबल गुड्स रिटेलर के हवाले से एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल्स अब ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं कुछ ऐसे रिटेलर हैं विच आर ऑर्गेनाइज रिटेलर्स और कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं विच आर अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज ड्यूरेबल गुड्स के रिटेलर्स की तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल की बात आती है कि कौन से ऐसे से फर्नीचर के या वाइट गुड्स के या ब्राउन गुड्स के या कार्स के फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से ऐसे रिटेलर्स हैं विच आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट के अंदर बात करें तो हमारे पास फॉरन एग्ज़ाम्पल नज़र आती है इंटरबुट की फर्नीचर कैटेगरी के अंदर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हैबिट की एग्जाम्पल नज़र आती है हमारे पास जुबैदास की एग्ज़ाम्पल नज़र आती है जो कि ड्यूरेबल गुड्स सेल कर रहे हैं इसी तरीके से अगर मैं वाइट गुड्स या ब्राउन गुड्स के वाले से बात करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी नज़र आएंगी और लोकल एग्जाम्पल्स भी नज़र आएंगी जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं वाइट गुड्स के एग्जाम्पल के अंदर तो हमारे पास वाइट हाउस की एग्जाम्पल नज़र आएगी हमारे पास डी जी शरफ की एग्जाम्पल इंटरनेशनल एग्जाम्पल है नज़र आएगी हमारे पास सोनी सेंटर्स की एग्जाम्पल नज़र आएगी सोनी वर्ल्ड के हवाले से हमारे पास ग्री की एग्जाम्पल नजर आएगी देर देर ओन आउटलेट्स हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉनिक्स की कई एग्जाम्पल नजर आएगी विच आर सेलिंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो देर ओन स्टोर हमारे पास इको स्टार के स्टोर्स की एग्जाम्पल नज़र आएगी हमारे पास टी सी एल की एग्जाम्पल की स्टोर नजर आएगी सो यू कैन नेम इट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के हवाले से यू कैन नेम इट बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोर जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में जहाँ हम हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स की बात करते हैं दूसरी तरफ देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं इस तरीके से अगर हम बात करते हैं देर आर ओपन मार्केट्स से अगर लाहौर की एग्जाम्पल दें तो इशरा मार्केट के अंदर देर आर लॉर्ड ऑफ फर्नीचर सेलर्स ये वो लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं बट द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग इज द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन इसी तरीके से लाहौर की एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हाल रोड के हवाले से या आबिद मार्केट के हवाले से तो दे आर सेलिंग वाइट गुड्स एंड ब्राउन गुड्स एंड दे आर द रिटेलर्स जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज टू एंड कंज्यूमर कराची के हवाले से अब्दुल्ला अरून रोड की एग्जांपल है या मरी के मरी रोड के ऊपर की एग्जांपल है पिंडी के हवाले से ये वो तमाम मार्केट्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से सेल कर रही हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को टू एंड कंज्यूमर इसी तरीके से हमारे पास इसको अगर अब और दूसरे तरीके से देखें तो अगेन कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि सिंगल स्टोर रिटेलर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टीपल या चेन स्टोर रिटेलर्स हैं सिंगल स्टोर ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और जब हम बात करते हैं चेन स्टोर्स की तो हमारे पास जिस तरह मैंने इंटरवुड की एग्जांपल की डिस्कशन की या जिस तरह मैंने हैबिट की एग्जांपल डिस्कस की या जिस तरीके से जुबैदास की एग्जांपल अगर डिस्कस की तो ये वो रिटेलर्स हैं जो कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और ये चेन स्टोर्स के हवाले से काम कर रहे हैं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वन ऑफ़ द गुड एग्ज़ाम्पल्स रूबा डिजिटल इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल्स ये वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से और चेन आउटलेट्स के थ्रू चेन रिटेलर्स हैं का प्रॉपर काम कर रहे हैं तो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को टू एंड कंज्यूमर अब इस तमाम बातों को जो मैंने अभी आपको बताई है जिस जितनी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको अगर आप इस डेफिनेशन इन एग्जांपल्स के पैरामे में उतारेंगे पैरामीटर को देखेंगे तो यू विल सी क्विकली रिव्यू करें क्विकली देखें क्या इंटरवुड उस पैरामीटर के ऊपर पूरा उतरता है आई क्या इंटरनेशनल एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि अगेन ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर डी जी शरफ अगेन यू ए बेस्ड कंपनी है और इंटरनेशनली काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर भी दे आर दे वॉन्ट टू कम और इंशाला इन द कमिंग टाइम दे विल भी कमिंग ऑल्सो सोनी वर्ल्ड की हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है और इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहा है ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू एंड कंज्यूमर टू दियर ओन स्टोर्स सुरमा की एक्ज़ाम्पल है विच इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनीज़ इन पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रोइंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स रिटेलर इस कराची बेस्ड रिटेलर बट एक्सपेंडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्ज़ाम्पल है अगेन पूरे पाकिस्तान के अंदर ड्यूरेबल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है प्रायमेलरली वाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स के हवाले से रूबा डिजिटल की एग्जाम्पल मैं दी है अगेन ये दे आर सेलिंग वाट दे आर सेलिंग वाइट गुड्स एंड ब्राउन गुड्स बोथ टू दी एंड कंज्यूमर अगर हम कार के हवाले से बात करते हैं तो देर कैन बी जी मोटर्स की एग्जाम्पल हमारे पास है देर देर कैन बी लेट से टोयोटा मोटर्स की एग्जाम्पल हमारे पास है देर कैन बी होंडा मोटर्स की एग्जाम्पल हमारे पास है ये वो वो रिटेलर्स हैं जो कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं टू दी एंड कंज्यूमर